हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। चलिए सुपरफास्ट खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बेरोजगारों का जो धरना प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो यहां पर लगातार जारी है। 20 सूत्री मांगों को लेकर बेरोजगार जो है वो आंदोलनरत है, पिछले 16 दिनों से गुजरात में डेरा डाले हुए है। बेरोजगार आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को पालनपुर से उनकी दांडी यात्रा जो है वो निकली थी। 8 अक्टूबर को करीब 150 किलोमीटर का सफर तय करके वो अहमदाबाद पहुंचे। अब प्रदेश के युवा बेरोजगार अब भी गुजरात में ही आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कभी धर्मशाला में, कभी मंदिर में, तो कभी गुरुद्वारे में वो यहां पर ठहर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कभी सड़कों पर भी उन्हें रात गुजारनी पड़ रही है। अब आज सुबह बड़ी संख्या में राजस्थान से गुजरात यहां पर पहुंचे हैं और भी बेरोजगार। और आज से गुजरात में एक बड़े आंदोलन की चेतावनी यहां पर दी गई है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष है उपेंद्र यादव ने ये कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज गुजरात का दौरा प्रस्तावित है। अब ऐसे में उन तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश यहां पर बेरोजगारों की तरफ से की जाएगी। तो लगातार 16 दिन हो चुके हैं और ऐसे में राजस्थान के जो तमाम बेरोजगार है, आक्रोशित बेरोजगार, वो गुजरात में डेरा डाले हुए हैं, आंदोलन लगातार कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का गुजरात दौरा और ऐसे में उन तक उनकी बात पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।